Guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So, सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. इस वीडियो के अंदर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अगेन बैक टू दिल्ली. सो करोल बाग की एक अमेजिंग लोकेशन है. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द एम्ब्रालिस. सो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की. सो ये एक आइडियल लोकेशन है उन लोगों के लिए जो दिल्ली से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. और इस लोकेशन की ही सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो नोएडा हो या गुरुग्राम, साउथ दिल्ली या फिर वेस्ट दिल्ली. बिकॉज सेंट्रल दिल्ली के अंदर जहाँ पर हाउसिंग के सबसे ज़्यादा क्राइसिस है, बिकॉज एज यू नो सेंट्रल दिल्ली के अंदर ही सबसे ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट है. सो इस लोकेशन पे मेनली जितने भी ट्रेडर्स हैं या जितनी भी बिजनेस फैमिलीज हैं वो अपने बिजनेस से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है. तो इस लोकेशन के आसपास ओवरऑल डिमांड है, उसी के हिसाब से अब यहाँ पर इन्वेंट्री बची है. बिकॉज जितनी भी फैमिलीज हैं जो वेस्ट दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली में मूव हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 2700 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स ही रहती है. जो लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, ये वीडियो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. पहले सेक्शन में आप देखेंगे इनका डिलीवर्ड फेज, जहां पर आपको ओवरऑल एमिनिटीज, क्लब हाउस का एक ओवरऑल टूर मिलेगा, जहां से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि जो प्राइस रेंज है क्या वो जस्टिफाइड है सर्विसेज के हिसाब से. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे एक सैम्पल फ्लैट जिसका एरिया है 3700 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली, एक 4 BHK की यूनिट है. लास्टली आप देखेंगे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन अपडेट, जहां से आपको अगेन एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं तो कितना वेट पीरियड रहेगा. मेरे हिसाब से 6 से 7 मंथ का वेट पीरियड है अगर आप इसका जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट फेज है उसके अंदर यूनिट बुक करते हैं तो. दिस इज द प्रोजेक्ट साइट सिचुएटेड इन सेंट्रल दिल्ली और न्यू रोहतक रोड. दोनों साइड से अप्रोच है. प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 फेजेस. फेज 1 में ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है जिसके अंदर 2 और 3 BHK के ऑप्शंस थे. अलॉन्ग विद दैट इसका एक सेपरेट क्लब हाउस है विद टोटल एरिया ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट. टुडे वी आर हेयर फॉर फेज 2 एंड फेज 3 जिसका पोजेशन नेक्स्ट ईयर एंड तक है. इसका क्लब हाउस सेपरेट होगा विद एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट, विच इज अगेन डिवाइडेड इंटू 4 लेवल्स विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज एंड अ हीटेड पूल. इन सभी टावर्स में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. ऑन द 20th फ्लोर ये सारे टावर्स आपस में कनेक्टेड होंगे वाया स्काई वॉक. यहाँ फ्लोर हाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली 24 फीट. अपार्ट फ्रॉम द क्लब हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर जिसका एरिया है 1 लाख स्क्वायर फीट, 20th फ्लोर पर भी बहुत सारी अमेनिटीज होंगी जैसे एक जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, स्केटिंग रिंग, चिल्ड्रंस प्ले एरिया एंड सिट आउट जोन्स. फेज 2 और 3 में जितने भी फ्लैट्स हैं दे आर ऑल सेंट्रली एयर कंडीशन. Secondly, they are all customizable in a way where you can decide the room dimensions as per your requirement. This we will talk about once you plan for a site visit. So this is the outer facade of their delivered phase, jo phase 1 tha iska. Ab iske andar bhi agar aap dekhen to sidewalks ke bilkul theek saath mein inhone puri plantation kar rakhi hai. It's all landscaping. Now this is the actual lobby in their delivered phase. So we are in tower number 3. Comparatively iske mukable jo phase iska naya phase ban raha hai usme double heighted lobby hai. So even from this lobby you can get an idea how they are going to deliver their new phase. Left or right hand side pe flats hai. And this is the overall lobby area. This is their delivered phase, phase 1. जिसके अंदर ऑलमोस्ट 99% ऑक्यूपेंसी है. फ्रॉम हियर यू कैन सी द कंप्लीट सोसाइटी. दैट इज फेज 2 जिसके अंदर EWS कैटेगरी के पीछे फ्लैट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे इन्हीं टावर्स के जस्ट पीछे फेज 2 और 3 और 4 जितने भी रिमेनिंग फेजेस हैं वो सारे आ जाते हैं. दिस इज देयर क्लब हाउस पूल डेक एरिया. इसमें 2 पूल्स हैं. दिस इज ऑब्वियसली फॉर द किड्स. सामने की तरफ अडल्ट पूल है. एंड क्लब हाउस भी अगर आप अंदर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट A to Z सारी अमेनिटीज़ जो भी एक क्लब हाउस के अंदर होती है मॉडर्न अमेनिटीज़, दोस आर ऑल फंक्शनल एंड अप एंड रनिंग. सो गाइज दिस इज देयर क्लब हाउस एट द एम्ब्रालिस. सो वी आर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल. सो दिस इज द कंसियर्ज जहाँ से आप अपनी ज़रूरतों की जो भी चीज़ें हैं उनको पूछ सकते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट्स में जा सकते हैं. सो वी हैव
each and everything here. So this is the washroom area. सामने की तरफ Jewel the Height के नाम से एक कैफ़े है. So 50 packs की कैपेसिटी रहेगी इस कैफ़े एरिया की. बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा था एक कैफ़े था. सो दिस इज़ द किचन सर्विस अगर आप अपने बटलर्स बाहर से लेकर आते हैं. एंड दिस इज़ द बैंक्वेट हॉल एरिया. सो इसमें ऑलमोस्ट 100% की जो कैपेसिटी की गैदरिंग है आप आराम से कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल डन. इसमें बस थोड़ा बहुत जो काम है फिनिशिंग का वो रह गया है. अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू थ्रो अ पार्टी. सो ऑन द ग्राउंड लेवल इटसेल्फ दिस इज़ द लाइब्रेरी एरिया. सामने की तरफ है मिनी थिएटर जिसमें अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है. एंड दिस इज़ द क्रेच एरिया फॉर टॉडलर्स. दिस इज़ द बेसमेंट लेवल गाइस. दिस इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट्स. एक विंग में पूरा स्पोर्ट्स कैटेगरीज है. दूसरे विंग में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे दिस इज़ द स्पा और लेफ्ट हैंड साइड पे सैलॉन सर्विसेज हैं. सो विल स्टार्ट विद द गेम्स रूम फर्स्ट. सो इसमें चेस और आगे की तरफ ये वाला पोर्शन आ जाता है. इसके बाद और आगे की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ द कैरम एरिया एंड फॉलोड बाय द बिलियर्ड सेक्शन एंड द टीटी. This is the indoor squash court at the Umbrellas. So even for the grooming service, you don't have to go outside. You just need to visit the club and you get all the facilities at your doorstep. So this is being managed by Lux. So guys, this is the skywalk concept at the Umbrellas. यहाँ पे अभी मैं exactly tower number B में हूँ. यहाँ से आप पूरा सेंट्रल ग्रीन व्यू देख सकते हैं जिसके अंदर एमिनिटीज आएंगी. कंस्ट्रक्शन इज़ एट फुल स्विंग. सामने की तरफ इनका आइकॉनिक टावर है एंड दिस इज़ विथ वर्साचे. स्काईवॉक का कॉन्सेप्ट ये है. ऑन 20th फ्लोर ये सारे टावर आपस में कनेक्टेड हैं. सो यहाँ पर एमिनिटीज आएंगी. जॉगिंग ट्रैक आएगा जिसकी लेंथ होगी अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर. और इसके बाद ये जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे जो आप एरियाज़ देख रहे हैं ये होंगे सारे एमिनिटीज़. सो एमिनिटीज़ आर एक्चुअली स्प्रेड ऑन 2 लेवल्स. ग्राउंड पे भी हैं. इसके बाद ऑन 20th फ्लोर ये एमिनिटीज़ आएंगी. इसके बाद आगे का ये वाला जो पोर्शन है अब हम दूसरे विंग में आ गए हैं. सो यहाँ से आप अगर आगे देखें तो ये दूसरा विंग शुरू हो गया है. लेकिन इसके बाद अगर यहाँ से नीचे की तरफ हम फोकस करें तो ये इसका सेंट्रल ग्रीन एरिया रहेगा जिसके अंदर एमिनिटीज आएंगी. सो ये था दी एम्ब्रालिस. करोल बाग की एक अमेजिंग लोकेशन है. सेंटर दिल्ली कंसिडर किया जाता है. सो किसी भी रीज़न की वजह से अगर मान लीजिए आपके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है और आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए तो गुरुग्राम हो या नोएडा हो साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली ईजिली आप कम्यूट कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पर मेट्रो फैसिलिटी भी है. प्लस अगर आप अपने आप भी ड्राइव करके जाते हैं तो ईजिली कम्यूट कर सकते हैं बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. 4 और 5 BHK के ऑप्शंस हैं.
फेज वन और टू का जो क्लब हाउस है वो भी सेपरेट है. फेज वन और टू में इनफैक्ट फैमिलीज रह भी रही है. वहां पर टू और थ्री बीएचके के ऑप्शंस थे. सो जो लोग दिल्ली के अंदर बड़े साइजेस में फ्लैट ढूंढ रहे हैं, बिल्डर फ्लैट तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन अमेनिटीज नहीं मिलती है, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. प्राइजिंग बहुत जेन्युइन है. और इस वीडियो को खास तौर से देखने के बाद अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि यही वो चीज़ है जो आप ढूंढ रहे थे बहुत लंबे टाइम से, देन मेक श्योर यू प्लान योर विजिट इन एडवांस, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी विजिट्स होती हैं दीज आर बाय इनवाइट ओनली. सो इनवाइट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं. और आज के लिए गाइस बस इतना ही. जाने से पहले बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो आने वाला साल है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए. सो आज के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू गाइस टुमारो. सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.